नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। एक ओर जहां पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर परेशानी उन लोगों को है जो लोडिंग का काम करते हैं और जरूरत का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल के दाम अगर यूं ही बढ़ते रहे तो उन्हें काफी नुकसान होगा और उन्हें अपने मालवाहक गाड़ियों को अपने घर पे ही खड़ा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन और उनको आर्थिक नुकसान काफी हो रहा है, बचत कुछ भी नहीं हो रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ते देख परेशानियां भी बढ़ रही है। लोग भी हैरान हैं और परेशान हैं कि आखिर वे करें तो क्या करें। आप देख रहे हैं पल पल शीर्ष से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। जनता बड़ी परेशान है, वो हद से ज़्यादा परेशान है। ऐसे चलता रहे तो जनता सड़क पे आएगी, ये गाड़ियाँ अपने घर खड़े करके आग लगाएगी, इनको क्या करें। कमाइयों के साधन है नहीं, खर्चे दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, इतनी परेशान है जनता हद से ज़्यादा। नहीं, आप क्या काम करते हो? हम मजदूरी का काम करते हैं जी। लोडिंग का काम करते हैं। तो कितना आपको फर्क नजर आ रहा है पहले से और अब कितना आपको महंगा पड़ रहा है? बहुत महंगा पड़ रहा है जी, कुछ नहीं बचत हो रहा है जी। गरीब लोग का क्या करेंगे, इतना तो बड़ी मुश्किल हो रही है। अरे क्या मजबूरी है, बाइक के बिना इधर जा नहीं सकते, जा भी जाना होता है, साइकिल आप चला नहीं सकते।